तो कैसे हो? वेलकम बैक टू पंकज ठाकुर ब्लॉग। आज पूरे 8 दिन के बाद हल्की सी धूप लगी है शाम के 4 बजे, और ये धूप देख सकते हो पीछे, मतलब रौनक आ रही है आज, और हरियाली चमक रही देख सकते हो धूप आने के बाद। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि 8 दिन के बाद गांव में धूप है और मौसम एकदम झकास हो गया। मैं सोया था, जैसे ही नींद खुली तो देखा कि धूप लगी है, तो मैंने मन किया वीडियो शूट करने का, तो वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यहाँ की हरियाली दिखाता हूँ आज कैसा हो रहा है। पिछले 8 दिनों से बरसात के कारण कपड़े सूख नहीं पाए, आज धूप लगने के कारण सारे कपड़े छत पर डाल दिए हैं सुखाने के लिए। ये देख सकते हो, ये देखो, हर किसी के छत पर ये देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत दिनों से कपड़े नहीं सूखे थे। और देखो मौसम आज का, ये हरियाली हरियाली। रोज़ रोज़ बारिश के कारण थोड़ा बेकार भी लगता है, लेकिन धूप आने के बाद देख सकते हो आप, हाँ कितना गजब लग रहा है। आज मौसम बहुत अच्छा हो रखे है, और कल क्या पता घूमने का भी हो, बहुत दिनों से नहीं घूमे हैं। तो शाम का टाइम है, धूप जा रही है हल्की हल्की। तो कुणाल एंड मोहित, आजकल तुम वीडियो नहीं डाल रहे हो, क्या बात है? आजकल वीडियो नहीं डाल रहे हो? यहाँ तो आई मामा, मामू, मामू को देख, मामू को देख, मामू को देख, मामू को, हेलो हेलो। जीप क्यों दिखा रही? एवरीवन, अभी हम जा रहे हैं फिर भराड़ी कुछ काम से, तो रोड कैसी हो रही है वो आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग बने रहना वीडियो के साथ। और क्रस्त, तो आज सुबह से बारिश नहीं हो रखी है और मौसम इस प्रकार है। हाँ, भराड़े के लिए निकल रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो गड्ढे कितने हो रहे हैं हमारे रोड में। तो इतनी खतरनाक रोड और के देख सकते हो आप गड्ढे। खैर बुलेट का तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि बुलेट बुलेट होती है। ये देखो, इतनी खतरनाक रोड, इतनी खतरनाक रोड यार, बाप। अभी दोस्तों हम शॉप पहुंचने वाले हैं, कपनी ग्लेशियर में आपका हार्दिक स्वागत करता है जनपद बागेश्वर।
दोस्तों ये बोर्ड लगा था सॉन्ग में। अभी इसके बाद आगे हमारा इंटर कॉलेज था, वहाँ से मैंने 12th पास किया था। या जहाँ पे बाइक रुकी है बस जस्ट इसके नीचे, और पहाड़ में ऐसी है। हमारे सरयू घाटी की रोड बहुत बेकार है, कहीं पे डामर हैं तो कहीं पे गड्ढे हो रखे हैं, जिस कारण बाइक चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो अभी हम पहुँचे हैं तुड़तुड़िया, आगे रोड बहुत ख़राब हो रखी है। दोस्तों हम तुड़तुड़िया पुल पहुँच चुके हैं, और तुड़तुड़िया यहाँ पे एक मंदिर भी है, वो आते समय दिखाऊंगा। ये झरना, हल्का सा झरना भी है, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चलती हुई। अभी हम बांसे पहुँचने वाले हैं, और मौसम एकदम सुहावना, मज़ा आता है। हम बुलेट चलाने का अलग ही मज़ा है दोस्तों पहाड़ों में इस सुहाने मौसम में, बरसात के टाइम पर खासकर। बरसात के टाइम पर डर भी लगता है क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरने का भय होता है। और मौसम देखो, आज धूप लगी है। तो दोस्तों अभी हम बांसे पहुँच चुके हैं, और आगे दुलम पड़ेगा। आगे थोड़ी सी रोड ख़राब है, देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ से ऊपर बादल फटा था जिस कारण रोड बहुत ख़राब हुई थी। देखो कितनी खतरनाक रोड हो रही है, और एक बार बाइक फिसल गई तो गया। तो इतनी खतरनाक रोड में बुलेट को तो कुछ असर, खास असर पड़ता नहीं है, लेकिन अदर जो हल्की बाइक होती है उनको प्रॉब्लम होती है। दोस्तों बांसे से निकलने के बाद आगे जो ये इलाका पड़ता है, यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा रोड ख़राब होती थी। देखो नीचे सरयू नदी भी कितनी खतरनाक लग रही है, बहुत प्यारा मौसम व्यू, और हरियाली के साथ हमारा पहाड़ कुछ अलग ही चमकता है। तो हमारी वीडियो बनाने वाले थे कृष्ण भाई, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और आगे निकलते हैं, ये देखो कितनी खतरनाक रोड, लेकिन बुलेट को कुछ असर ही नहीं होता है यार। इस ठंडी ठंडी मौसम में बुलेट चलाने का मज़ा ना भाई, वो फील अभी कितना हो रहा है वो मेरे को पता है। तो निकलते हैं आगे को। हम चले अपने सफ़र पे, लेकिन भराड़ी इस बार हम रीठापगड़ से होते हुए नहीं गए, हम बाईपास से गए ITI से होते हुए। ये है डी टैंक, मेरे सामने दिख रहा है उत्तर भारत का पावर हाउस, मतलब यहाँ पे डी टैंक है, इनका पानी यहाँ से होते हुए कपूर जाता है। तो दिखाता हूँ कैसा है यहाँ पे, यहाँ का डी टैंक है, इसमें पूरा पानी भरा है। दो टैंक है, एक उधर से आ रहा पानी, एक इधर से आ रहा है। और आजकल बरसात के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी है, जिस कारण वहाँ से ही बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे टैंक पानी जमा होता है, यहाँ से प्रेशर बन के सीधे नीचे जाता है कपकोट को। तो अभी हम हमारे असली वाली रोड वाली है, लेकिन हम लोग इधर आ रखे हैं इस वाली रोड पे। धन्यवाद। मास्क और हेलमेट लगा लिए हैं क्योंकि आगे चेकिंग होती है कपकोट में। तो आप लोग इन्जॉय कीजिए वीडियो में, लाइक ज़रूर करना है। अगर आप वीडियो के अंदर आ रखे हो, देख रहे हो वीडियो को, तो कुछ ना कुछ करके जाओ, चाहे डिसलाइक ज़रूर कर देना, या लाइक ज़रूर करना, या कमेंट करना है। तो मिलते हैं आगे, दिखाता हूँ मैं। चलते हैं भराड़ी की ओर, मिलते हैं भराड़ी में। यह है भराड़ी मार्केट। भाई सिम ले रहे हैं, हम हैं यहाँ पे अपने भाई के वहाँ पे, अभी इनसे भी मीट कराएंगे। तो जब कभी आप भराड़ी में आना तो इनकी शॉप में ही आना। भराड़ी से निकल गए हैं, आगे रोड भी दिखाएंगे और मज़े लीजिए। दोस्तों अच्छे से पढ़ो, शस्त्र भद्रतुंगा वाली रोड यही है, हमारे वहाँ भी यही जाती है, सामा वाली बाईपास। ऊपर सामा वाली रोड है, और नीचे हमारे वहाँ सहसदार वाली रोड है, मतलब हमारे यहाँ भी सहसदारा है। तो ये टैक्सी स्टैंड है हमारे वहाँ का, अगर आप कभी आओगे हमारे गांव में तो इधर से ही आना पड़ेगा आपको। और निकलते हैं अपने सफ़र पे। तो म्यूजिक का आनंद लीजिए। मधुली देवी दूर की मधुली आरती, मेरा मना
मधुली कले जी काटी है जा मधुली तेरो मीठो बुलाना मधुली देवी दूर की मधुली अरे जी मेरा मना मधुली कले जी काटी है जा मधुली तेरो मीठो बुलाना मधुली कले कपड़ो बजरा जो बता ही टना चारा वा मेरी नजरा ओ सर गहू चौगड़ बड़ाटा कपड़ो बजरा जो बता ही टना चारा वा मेरी नजरा जाते रोही टना जागा वा मेरी नजरा वे ऐजा मेरा साथ मधुनी जगड़ में मधुली देवी दूर की मधुली अरे जी मेरा मना मधुली गले जी काटी के जाए मधुली तेरो मीठो बुलाना मधुली गले जी काटी के। तो अभी हम हैं कुटुरिया पुल पे, तो यहाँ का एक छोटा सा झरना घास कटने हाथ काटो दुआ की दात ले आधी रात मनी न खुली तेरी बात ले घास कटने हाथ काटो दुआ की दात ले आधी रात मनी न खुली तेरी बात ले न कर कुटल मरुले न कर मजागवे तेरे माया में मधुली देवी मधुली देवी दूर की मधुली अरे जी। तो देखो यहाँ पे कितनी खतरनाक रोड हो रही है, अभी मशीन लगी थोड़ी देर में निकाल दी। हमारे वहाँ नुकसान यहाँ पर रखा है और आगे मशीन भी लगी, देख सकते हो ये है, यहाँ से पेटी जाती रोड और इतना खतरनाक कीचड़ और बरसात के टाइम पर पूरा उखड़ गया वहाँ।
दोस्तों हमने गाड़ी निकाल दी है, आपने तो दोस्तों अभी बासुगुरु पहुँचे हम। भाई के शॉप में जा रहे हैं हम बाल बनाने के लिए, फेमस हेयर डायर। दोस्तों आगे की वीडियो इसलिए नहीं दिखा पाया क्योंकि बैटरी लो हो गई थी मोबाइल की, तो सीधे घर पे आया, मोबाइल चार्ज किया तो मैंने बाल कटवाए थे, तो आज ऐसे वाले कटवा रखे हैं। पापा की जा रहे हैं पापा जी, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हुआ। लव यू ऑल, मिलते हैं अगले वीडियो में।